जहां मौसम का मिजाज सबसे ज्यादा गर्म होता है, जो अपनी कोयलों की खदानों के लिए जाना जाता है, जिसकी वजह से इसे ब्लैक गोल्ड सिटी भी कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के चंद्रपूर जिले की। खनिज संपदा और वन संपदा से परिपूर्ण चंद्रपूर जिले की दूसरी भी पहचान है। आदिवासी बहुल इलाका, नक्सल प्रभावित जिला और इसे पिछड़ा हुआ भी कहा जाता है। लेकिन अब इन तस्वीरों को देखने के बाद आपकी सोच बदल जाएगी। आपकी सोच एक राजनेता को लेकर बदल जाएगी। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जब एक राजनेता बदलाव को लेकर इच्छा शक्ति रखेगा तो सब कुछ संभव हो सकता है। वही किया महाराष्ट्र के पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर सुधीर मुनगंटीवार ने। अपनी इच्छा शक्ति, अपनी दूरगामी और पारदर्शी सोच से सुधीर मुनगंटीवार ने पिछले 5 सालों में चंद्रपुर के विकास में नए नए आयाम गढ़े हैं। इस जिले के लोग जंगलों पर निर्भर थे, जहां रोजगार नहीं था, जहां मूलभूत सुविधाएं नहीं थी, जहां स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल नहीं था, वहां सुधीर मुनगंटीवार ने महज 5 सालों में जिले की कायापलट ही कर दी। सुधीर मुनगंटीवार ने कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की ताकत को समझते हुए सीएसआर फंड का बखूबी इस्तेमाल किया। सीएसआर का अर्थ क्या है कि उद्योग क्षेत्र में आप जब पैसा कमाते हो तो जीवन का लक्ष्य आपके पैसा कमाना तो हो सकता है, मगर उससे कुछ हिस्सा समाज में जो गरीब वर्ग है, समाज के जो अप्रगत भाग है, समाज के ऐसे समूह है जो आज भी मुख्य धारा में हम नहीं ला सके, तो हमारा ये सामाजिक दायित्व होता है कि उनके वेलफेयर के लिए काम करें। चंद्रपुर के गार्डियन मिनिस्टर होने के नाते चंद्रपुर में डेवलपमेंट के कई प्रोजेक्ट्स को लाए। विघ्नहर्ता गणपति बप्पा की मनमोहक मूर्ति को देख आप हैरान हो जाएंगे जब आपको पता चलेगा कि ये आखिरकार मूर्ति बनी किससे है। भगवान गणेश की मूर्ति बांस से बनी है। इतना ही नहीं, ये साइकिल भी बांस से बनी है। बांस की इन उपयोगिताओं को देख आपके जहन में ये सवाल जरूर आएगा कि भला बांस का भी इस्तेमाल इस कदर हो सकता है? तो जवाब है हाँ। बांबू की इन पिलर्स को देखने के बाद ये हम सोच भी नहीं सकते थे कि बांबू का इस स्तर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर पूरी की पूरी इमारत ही बांबू पर खड़ी कर दी गई। ये कारनामा कर दिखाया है विजनरी नेता सुधीर मुनगंटीवार ने। महाराष्ट्र का चंद्रपुर जिला बांस उत्पादन में सबसे बड़ा केंद्र है। यहाँ पर पारंपरिक तरीके से लोग रोजमर्रा की जिंदगी में बांस का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर करते हैं। दरअसल बांस आधारित उद्योग को अत्याधुनिक तकनीक से जोड़ने की लंबे समय से महसूस की जा रही थी। सुधीर मुनगंटीवार ने राज्य के वन मंत्री के रूप में चंद्रपुर जिले के चिचपल्ली में बांस अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत की। यहाँ सैकड़ों की संख्या में लोगों को जीवन व्यापन के लिए काम मिला और उनकी जिंदगी संवर गई। अनीता, रुपेश और राजू जैसे लोग अब सुधीर मुनगंटीवार का शुक्रिया करते नहीं थकते। मैं यहाँ पे काम करती हूँ बास्केटरी का। 2014 में अचानक मेरी परिस्थिति बदल गई। बहुत परेशानी हो गई थी, इतना कि जब अपन बच्चों को खाना खिलाते दाल चावल रोटी, तो एक तो रोटी मिलती थी या तो फिर चावल, दोनों भी नहीं ला सकती थी, इतनी परिस्थिति मेरी खराब थी। यहाँ आने से मैं अच्छे अपनी लड़कियों को पढ़ा भी सकती हूँ और देख घर भी चला सकती हूँ अच्छे से। सुधीर भाव से हम हक से बोल सकते हैं कि सुधीर भाव हमारा ये काम है, तो कभी वहाँ से निराश होके नहीं आते। बाम्बू का फर्नीचर बनाते, बाम्बू का क्राफ्ट बनाते हैं, ये बहुत सारा काम चलता है यहाँ पे। जैसे इको फ्रेंडली में ये प्लास्टिक से बहुत अच्छा है। बाम्बू यानी हरा सोना बोलते हैं, वो सही में हरा सोना ही है। काम ढूंढने के लिए बाहर जाना पड़ता था, इधर उधर भटकना पड़ता था। अभी मैं यहाँ पे कंटिन्यू काम कर रहा हूँ और पैसा घर में आ रहा है, थोड़ा सा अच्छा चल रहा है।
सही में भाऊ है वो। उनका सर पे हाथ है, अब अच्छा चल रहा है, जैसे आशीर्वाद मिल गया हमें। पहले तो ज़िंदगी ऐसी थी कि रोज़गार नहीं मिलता था, यानी काम पे चक्कर में कहीं पीछे जाते थे काम करने के लिए, यानी ज़िंदगी ऐसी ही थी, इधर उधर जाओ भाग दौड़ में जाते थे। अभी कैसे ट्रेनिंग करने के बाद यहाँ पे थोड़ा अच्छा लगता है। बाम्बू रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर में बड़े पैमाने पर हैंडीक्राफ्ट्स बनाए जाते हैं, वो भी बाम्बू से, और इन तिरंगों की जो शान है वो प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुँची है और इसके अलावा महाराष्ट्र के CMO दफ्तर तक भी। अगरबत्ती के इन कारखानों में काम करने वाली ये महिलाएं उदाहरण हैं PM मोदी के सपने वोकल फॉर लोकल की, उदाहरण है महिला सशक्तिकरण की, उदाहरण है रोजगार की। ये महिलाएं न सिर्फ अपने पैरों पर खड़ी हैं बल्कि भारत देश को भी आत्मनिर्भर बना रही हैं। भारत के प्रमुख तीर्थस्थलों पर अगर किसी का श्रद्धा और भक्ति के साथ नाम लिया जाता है तो वो गांव है चंद्रपुर का पोरभोरना, क्योंकि यहां पर बड़े पैमाने पर अगरबत्ती का उत्पादन होता है और मुंबई के सुप्रसिद्ध मंदिर सिद्धि विनायक में भी यहीं से अगरबत्ती जाती है। CSR की मदद से ITC और सुधीर मुनगंटीवार ने न सिर्फ इन्हें हुनर दी बल्कि जिंदगी जीने की एक नई उम्मीद भी दी है। हमारे पास दो बार CSR फंड आया था, दो बार में हमने एक कैपिटल वर्किंग में और एम्प्लॉय के डेली वेजेस में, ये दो बार हमने यूटिलाइज किया। अगरबत्ती बनाने का काम करने वाली सुनीता और पूजा की तरह यहाँ मौजूद 300 महिलाओं की जिंदगी ही बदल गई है। सुनीता पहले खेती में काम करती थी, दिन भर धूप और कड़ी मेहनत करने के बाद भी समय पर मजदूरी नहीं मिलती थी। अगरबत्ती में आते हैं तो हमारा पैसा हम खुद कमा लेते हैं, कुछ नहीं है, हम करते हैं तो हमारे लिए ही करते हैं, अपना बाल बच्चे है उनका पेट भरने के लिए करना पड़ता है। पूजा की भी यही कहानी है, दो लड़कियों की माँ पूजा जैसे तैसे बच्चों की पढ़ाई और परवरिश कर पाती थी। पैसों की तंगी से परिवार में कलह भी होने लगी थी, पूजा अगरबत्ती का काम करने लगी, कमाई अच्छी होने लगी, फिर क्या, पूजा के प्रति घर वालों का नजरिया ही बदल गया। अपने पैरों पे हम खुद खड़े रहने चाहते हैं, ऐसे नहीं कि पति के गोदाम में रहे। जो पहले वियतनाम और चाइना से हम अगरबत्ती इम्पोर्ट करते थे, अब हम अपने देश में ही अगरबत्ती बनाते हैं। भगवान हमारा है, प्रार्थना हमारी है। अगरबत्ती वियतनाम से चाइना से आती थी तो आधा पुण्य तो वहाँ चले जाता था, तो हमने कहा CSR में अगरबत्ती भी हमारी होगी, भगवान भी हमारा होगा, प्रार्थना भी हमारी होगी, पुण्य 100% हमारे यहाँ रहेगा। सूत काटती ये महिलाएं कालीन बना रही हैं। ये कालीन मिर्जापुर की नहीं बल्कि चंद्रपुर के पोंभोरना में बनी है। कालीन उन घरों की शोभा बढ़ाती है जहाँ सबसे ज्यादा ठंड होती है। चंद्रपुर के कालीनों की विदेशों में भारी मांग है। मैक्सिमम हम लोगों का कारपेट यूरोप कंट्री में जाता है जहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है, -40 डिग्री -50 डिग्री, तो वहाँ पे हमारा कारपेट इंडिया से बहुत बड़ा बिजनेस है कारपेट का। सुधीर मुनगंटीवार की पहल से यहाँ की महिलाओं को पहले कौशल मिला और कौशल से इन्हें रोजगार मिल रहा है। माधुरी भी उन्हीं जरूरतमंद लोगों में से हैं जिनकी जिंदगी सुधीर मुनगंटीवार की पहल और CSR से बदल गई है। क्योंकि पहले हम घर पे बैठ के रहते थे, पति के भरोसे पर रहते थे, हम हमारे खुद पे इस पर अब हो गए, हम काम करने लगे तो अच्छा। हमारी भी हिम्मत बढ़ गई है अब कि हम काम कर सकते हैं। ये टूथपिक है, खाने के बाद दांतों में फंसे कणों को निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भारत देश में इसकी भारी डिमांड है, लेकिन टूथपिक की सप्लाई विदेशों से होती है। टूथपिक बनाने में भारत सक्षम हो और आत्मनिर्भर हो, इसलिए पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर सुधीर मुनगंटीवार ने टूथपिक परियोजना की शुरुआत की। इस केंद्र को टाटा ट्रस्ट के CSR निधि से 1 करोड़ रुपए की मदद मिली है। विदर्भ से बड़े पैमाने पर नवयुवक सूरत और मुंबई में डायमंड कटिंग अर्थात हीरो को तराशने का काम करने के लिए पलायन करते हैं। हीरा तराशने के उद्योग के लिए कुशल कारीगरों की व्यापक मांग है। इस मांग को पूरा करने का बीड़ा उठाया है सुधीर मुनगंटीवार ने, और इन युवाओं को 20,000 से 40,000 की नौकरी की गारंटी करते हुए बल्लारपुर में डायमंड कटिंग प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत की। टाटा ट्रस्ट, ITC जैसी तमाम कॉरपोरेट कंपनियों के CSR फंड से चंद्रपुर का पोंभोरना गांव अब बदल रहा है। यहां पर महिलाएं स्वावलंबी हो रही हैं
सक्षम हो रही हैं, रोजगार के नए नए आयाम दिख रहे हैं और इसके अलावा वो अब अपने घरों में भी हाथ आर्थिक तौर पर बटा रही हैं। हर साल भारत देश में 12 लाख लोग कैंसर से ग्रसित होते हैं, जिनमें 8 लाख लोगों की इस भयावह बीमारी से मौत हो जाती है। कैंसर से बढ़ते प्रकोप से बचाने के लिए सुधीर मुनगंटीवार ने टाटा ट्रस्ट के साथ मिलकर महाराष्ट्र सरकार और सीएसआर की मदद से चंद्रपुर में वैश्विक स्तर का अत्याधुनिक कैंसर हॉस्पिटल की नींव रखी। लोगों को कैंसर के इलाज के लिए मुंबई या फिर दूसरे बड़े शहरों में नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि चंद्रपुर में ही अब उन्हें नई जिंदगी मिल सकेगी। ये एक कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है जो कि अपने आप में और सबसे लाभदायक और सबसे हेल्पफुल और सबसे नीडफुल चीज़ें हैं जो ज़रूरत के चीज़ों में काम आता है, क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ कि ये आसपास में यहाँ कई कैंसर हॉस्पिटल नहीं है, तो यहाँ पे एक कैंसर हॉस्पिटल बना है और उसके माध्यम से लोगों को यहाँ पे सेवा मिलेगी और उनका इलाज काफ़ी अच्छा होगा और बेहतर होगा। मरीजों की सेवा के लिए चंद्रपुर में ही मेडिकल कॉलेज भी बनाया जा रहा है। चंद्रपुर शहर कोयले के खदानों पर बसा हुआ है और यही कारण है कि चंद्रपुर शहर को ब्लैक गोल्ड सिटी भी कहा जाता है। यहाँ पर माइंस और बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ हैं और यही कारण है कि यहाँ पर लोग ज़्यादा बीमार होते हैं। बीमारी की वजह से यहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज भी बनाया जा रहा है और टाटा कैंसर हॉस्पिटल भी। चमचमाती ये रेसिंग ट्रैक भविष्य तय करेंगी उन बच्चों की जो सुनहरे दिनों के सपने देखते हैं, जो चंद्रपुर के एक छोटे से गांव से निकलकर भारत देश का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखना चाहते हैं। अपने देश में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं, बस जरूरत है उन्हें मौका देने की, और मौका दिया है सुधीर मुनगंटीवार ने। सुधीर मुनगंटीवार ने अपने क्षेत्र के बच्चों के हुनर और हौसलों को देखते हुए सीएसआर यानी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की मदद से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई स्टेडियम भी बनवाए हैं। यहाँ पर इस परिकल्पना से ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाई गई है ताकि चंद्रपुर जैसे इलाकों से भी बच्चे निकले और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर देश का नाम रोशन करें। सुधीर मुनगंटीवार के विधानसभा क्षेत्र बल्लारपुर में 400 आंगनवाड़ी हैं और पूरे जिले में 800 आंगनवाड़ी। ज्यादातर आंगनवाड़ी आईएसओ सर्टिफाइड हैं। 900 से ज्यादा जिला परिषद के स्कूलों को ई लर्निंग के साथ जोड़ा गया है, जिससे बच्चों को स्क्रीन पर ही पूरे विश्व का ज्ञान मिल रहा है। मेरी आंगनवाड़ी ऐसी स्थिति में थी पहले कि जब कई आते थे पेरेंट्स लोग तो सब उदास रहते थे, सब बच्चे कॉन्वेंट पे भेजते थे। अभी जब आंगनवाड़ी ऐसी डिजिटल आंगनवाड़ी हो गई तो सब जन ऐसे अच्छी नजर से देख रहे। हर माँ बाप का सपना होता है कि उनके बच्चों की परवरिश ऐसे माहौल में हो जहां बढ़िया स्कूल, अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, खेलकूद के मैदान हो। चंद्रपुर का सैनिक स्कूल न सिर्फ माँ बाप के सपनों को साकार कर रहा है, बल्कि ये स्कूल देश सेवा के लिए युवा पीढ़ी को प्रेरित भी कर रहा है। सुधीर मुनगंटीवार के महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक चंद्रपुर का सैनिक स्कूल देश में स्थित 29वां सैनिक स्कूलों में से सबसे अत्याधुनिक और सभी संसाधनों से सुसज्जित स्कूल है। देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों का स्मारक भी यहां बनाया गया है। युद्ध में इस्तेमाल हुए टैंक, लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर की भी प्रदर्शनी बच्चों को देश सेवा के लिए प्रेरित करती है। इन इमारतों को देखिए, इन जर्जर इमारतों को देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि ये इमारत सरकारी है। ठीक आपने सोचा, इसी के बगल में खड़ी ये आलिशान इमारतें गवाही दे रही हैं बदलाव की, गवाही दे रही हैं ऐसे विजनरी नेता के सोच की जिसे देखने के बाद इनकी भव्यता की तारीफ करते हुए आप नहीं थकेंगे। ये इमारतें सरकारी दफ्तर है, ये इमारतें हैं वन एकेडमी की जिसे सुधीर मुनगंटीवार ने बनवाया है। नियर अबाउट 100 एकड़ में कैंपस पूरा फॉरेस्ट एकेडमी का है। एक्चुअली ये बनाया गया था फॉरेस्ट की जो ट्रेनिंग पर्पस के लिए बनाया गया था,
कैंपस जैसा देखा जाए तो काफ़ी कैंपस काफ़ी आलिशान है। पब्लिक सेक्टर के हॉस्टल काफ़ी अच्छे नहीं होते, जबकि यहाँ का जो हॉस्टल है वो फाइव स्टार होटल को भी बीट करे ऐसे होटल यहाँ पे बनाए, यानी कि रूम्स बनाए गए हैं। जब भी सरकारी दफ्तर का नाम लिया जाता है तो हमारे जहन में ऐसी छवि बन जाती है कि गंदगी का अंबार होगा, फाइलों से पटा टेबल होगा, खस्ता हाल बिल्डिंग होगी, लेकिन यहाँ मौजूद हर दफ्तर किसी कॉरपोरेट दफ्तर से कम नहीं है। पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर सुधीर मुनगंटीवार अपने विधानसभा का ही नहीं बल्कि पूरे राज्य के चौतरफा विकास के लिए काम किए, और जो संभव नहीं हो पाता उसे भी सुधीर मुनगंटीवार ने पिछले 5 सालों में संभव कर दिखाया। कि पूरी ताकत के साथ काम करो, सेवा ये मेरा ध्येय है, और समर्पित भावना से काम करो। इसीलिए आप अगर मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में घूमोगे तो मैंने जो काम करने को 10-10, 15-15 साल लगते हैं वो मैंने 15 महीने में किया, 18 महीने में किया। बच्चे देश का भविष्य होते हैं, यही बच्चे मजबूत देश की नींव रखते हैं। बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए जरूरी होता है खेलकूद। इन्हीं बच्चों के लिए सुधीर मुनगंटीवार ने ऐसे गार्डन का निर्माण करवाया जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को समर्पित है। ये गार्डन न सिर्फ बच्चों के खेलकूद का जरिया बना बल्कि उनके पढ़ाई में भी मददगार साबित हो रहा है। मनमोहक सौंदर्य फूल, पेड़ और पौधों के साथ इन तितलियों की अटखेलियां पूरे चंद्रपुर वासियों को आकर्षित करती हैं। इस जगह पूरा जंगल एरिया था, तभी यहाँ मतलब ये जाकर उन्होंने स्पेसेस मतलब बनाई हैं। और वैसे बाय द वे यहाँ पे बच्चों की बहुत ज़्यादा ट्रिप्स आती है, और यहाँ पे साइंस के लिए वो प्रैक्टिकल्स के प्लांट्स वगैरह है, वो सब भी वो इन्फॉर्मेशन वगैरह वहाँ सब प्लांट्स की इन्फॉर्मेशन वगैरह, ग्रीन टीस वगैरह सब प्लांट्स वगैरह वहाँ पे दिए हैं। और यहाँ पे हर एक पोस्टर पे एक एक प्लांट की इन्फॉर्मेशन, एनिमल्स की इन्फॉर्मेशन दी है। यहाँ मौजूद बस स्टॉप किसी एयरपोर्ट से कम नहीं। बटरफ्लाई गार्डन, चंद्रपुर और बल्लारपुर रेलवे स्टेशन, हाईटेक पुलिस स्टेशन, शुद्ध पीने का पानी जैसे तमाम काम को सुधीर मुनगंटीवार ने अंजाम दिया। चुनाव जीतना ये हमारा लक्ष्य नहीं हो सकता, जनता के मतदाताओं के दिल जीतना ये हमारे कामों का लक्ष्य होना चाहिए। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, गैरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती। सत्ता में आने के पहले ये नेता तमाम वादे करते हैं, विकास की कस्में खाते हैं, लेकिन कुर्सी मिलने के बाद ये सब भूल जाते हैं। सुधीर मुनगंटीवार इन नेताओं के लिए सबक हैं। फिलहाल चंद्रपुर का सफ़र यहीं ख़त्म होता है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के विकास की कहानी हम फिर आप तक लेकर आएंगे, आपके ज़िले, आपके शहर से। तब तक के लिए CSR, समाज और सामाजिक सरोकार की खबरों को पढ़ने के लिए देखते रहिए द CSR जर्नल, और फॉलो करिए हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स को। नमस्कार।